हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्लग इंडिया में, जहां आपको न्यूज़ के बारे में बताएंगे। तो हम लोग आ गए हैं अब सासाराम के सदर अस्पताल में, जहां कि आपको दिखाएंगे वैक्सीन कैसे लेते हैं और वैक्सीन के साथ क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यहां पे किस तरह से वैक्सीन दिया जा रहा है और किस तरह से वैक्सीन पड़ेगा। लोग के अंदर जो डर है, जो भावना, डर की भावना है कि वैक्सीन लेना सही है या गलत है, इसके वजह से वैक्सीन लोग नहीं ले पा रहे, तो उसके बारे में आपको यहाँ बताएंगे। तो जैसे कि दोस्तों, हम लोग यहाँ सासाराम के सदर अस्पताल में हम लोग आ गए हैं। आप लोग देख रहे हैं कि कितनी सारी क्लीन, सबसे पहले आप देखिए कितना क्लीन किया गया है कि कहीं कोई गंदगी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। सामने यहाँ गार्ड साहब स्टार्टिंग में बैठे हुए हैं, इसको एंट्री फेस से एंट्री करते वक्त तो आप लोग देख पा रहे हैं। तो आइए हम लोग आपको ले चलते हैं अंदर की ओर, जहाँ पर वैक्सीन कैसे लग रहा है, क्या क्या रूल रेगुलेशन है, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। आइए। तो दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर लगा हुआ है, जो वैक्सीन के लिए नंबर लगाए गए हैं। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो अंदर में पहले नंबर लगता है। थोड़ा 2 मिनट आइएगा, थोड़ा पब्लिक दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को हम। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आधार कार्ड से आपका नंबर लगता है और यहाँ पे सर लोग बैठे हुए हैं, जो पब्लिक को आपके आपको तकलीफ ना हो इसलिए यहाँ पे नंबर लग रहा है। सर, यहाँ पे जैसे क्या क्या हो रहा है इस काउंटर पे? इस काउंटर पर लोगों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अच्छा। जो लोग ऑनलाइन बुकिंग करके आ रहे हैं, यहाँ पर उन लोगों को वेरीफाई किया जा रहा है कि वही आदमी हैं या नहीं है। उनको आधार कार्ड से यहाँ पर मिलान करके वैक्सीनेट किया जा रहा है। सर, सिर्फ आधार कार्ड ही लाना है या कुछ और पहचान पत्र हो गया, DL हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, सब हो सकता है? हाँ, उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और यही सब है, सारा चीज़ जी। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना कि सर का कहना है कि आप आधार कार्ड से ला सकते हैं, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप DL के साथ आ सकते हैं, पैन कार्ड के साथ आ सकते हैं, आपके पास जो भी पहचान पत्र आइडेंटिटी प्रूफ है उससे आप आके अपना नंबर को वेरीफाई कराकर आप नंबर लगा सकते हैं। तो सर, यहाँ से नंबर लगने के बाद फिर आपको जो इंजेक्शन होता है वो कहाँ मिलेगा? वो बगल वाले रूम में सिस्टर लोग दे रही हैं, वहीं पर हम लोग यहाँ से पुर्जी काट देते हैं, वेरीफाई करने के बाद अपना साइन मार देते हैं और वहाँ पर जाकर वैक्सीनेशन लिया जाता है। तो सर, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, मतलब किस लिए बैठे हुए हैं? वैक्सीनेशन लेकर के बैठे हुए हैं। अच्छा, ले चुके हैं। हाँ। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो वैक्सीन ले कर बैठ चुके हैं, तो इनसे हम लोग बात करते हैं जो वैक्सीन लिए हैं, क्या इनको फील हो रहा है। तो सर, आपने जो वैक्सीन लिया है आपको क्या फील हो रहा है? अभी तो अच्छा फील हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने देर पहले आपने वैक्सीन लिया है? लगभग आधा घंटा हो गया। आधा घंटा। तो सर, आप सासाराम के लोकल एरिया से हैं या फिर कहीं और से? लोकल से ही। लोकल एरिया से। क्या करते हैं आप? हम जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। तो आपने जो वैक्सीन लिया है तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम, कोई साइड इफेक्ट कुछ भी? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो ये वैक्सीन के लिए जो आपने लिया, इससे आपको सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे? वैक्सीन के लिए सरकार को धन्यवाद बोलेंगे, क्योंकि ये अभी हमने कोविड कोवैक्सीन लिया हुआ है और यहाँ पर 2 तरह का वैक्सीन मिल रहा था। पहले कोविड शील्ड मिल रहा था, अभी कोवैक्सीन दिया जा रहा है, तो दोनों ही ठीक है, जो मिल जाए आपको। तो जैसे इन्होंने भाई जी ने बताया कि कोवैक्सीन उन्होंने लिया है और बहुत ही कारीगर है, इनको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप लोग भी देखिए, आप लोग के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैक्सीन बहुत ही सेफ है, बहुत ही सेफ है, इससे डरने की, हाइपर होने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। आप भी वैक्सीन लीजिए, आइए सासाराम में, बहुत ही अच्छा व्यवस्था बनाया गया है। सासाराम के लोगों से मेरी नम्र निवेदन है कि आप लोग अपने नंबर को लगाकर वैक्सीन लेने जरूर आए। तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर कि वैक्सीन कहाँ और कैसा लग रहा है, आइए। तो ये कमरा से निकल कर हम लोग इस कमरे में आए हैं, इस कमरे में वैक्सीन लगाया जा रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वैक्सीन कैसे लग रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारी मैम बैठी हुई हैं, जो काफ़ी सोशल डिस्टेंस को पालन करते हुए काफ़ी दूर दूर बैठी हुई हैं और यहाँ पे वैक्सीन लगाया जाएगा। सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है साफ़ सफाई। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितनी सारी साफ़ सफाई है, यहाँ कोई डस्ट नहीं है, कोई भीड़ भड़ाका नहीं है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए इसको बनाया गया है। यहाँ पर सर आए हैं वैक्सीन। सर, आप कहाँ से आए हैं? मोहल्ला करंस राय, सासाराम से। सासाराम से। क्या करते हैं आप? हम बिजनेस करते हैं। क्या एज है आपका? 45 ऊपर 50। जैसे कि इनका 45 एज है, तो मैम से पूछते हैं 45 एज को कौन सा वैक्सीन लग रहा है? मैम, कौन सा वैक्सीन लग रहा है? कोवैक्सीन इनको लग रहा है। अच्छा, इनको कोवैक्सीन लगाया जा रहा है। तो आप देखिए किस तरह वैक्सीन इनको लगाया जाएगा, आप देख सकते हैं।
तो इनको वैक्सीन लग चुका है, इनको वैक्सीन लग चुका है। तो आपको वैक्सीन लगा कैसा फील हुआ? कुछ नहीं पता चला, जैसे देर ना लगता उसी तरह से तो है नॉर्मल। तो देखिए दोस्तों, अंकल ने वैक्सीन को लगाया, कोई फील नहीं हुआ, तो आप डरे मत, आप जरूर से जरूर आए और वैक्सीन लगाएं, क्योंकि सरकार एक कदम आपके तरफ बढ़ाई है, तो आपका भी हक बनता है कि एक कदम आप सरकार की ओर बढ़ाएं और वैक्सीन को लेकर सुरक्षित रहें। तो मैम, ये जो वैक्सीन ली है, इनको कितने दिन के बाद सेकेंड डोज पड़ेगी? 28 दिन के बाद, 42 दिन पहले। 28 डेज के बाद और 42 डेज से पहले आपको सेकेंड डोज ले लेना है, ठीक है? तो आप लोगों ने देखा, चलो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं और क्या क्या है आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने नंबर लगाया हुआ है वैक्सीन के लिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने यहाँ पे देखा, निरीक्षण किया, आप लोगों को दिखाया कि वैक्सीन कैसे लग रहा है, क्या क्या है। सबसे पहला बात यह है कि यहाँ पे भीड़ नहीं है। भीड़ नहीं होने का कारण है कि लोग जागरूकता नहीं हो पा रहे वैक्सीन को लेकर। तो आपसे नम निवेदन है कि आप जागरूकता होइए और वैक्सीन लगाने आइए। वैक्सीन बहुत ही सेफ है, बहुत ही सेफ पूर्वक यूज हो रहा है, आप डरे मत, बिल्कुल वैक्सीन को लगाएं, क्योंकि सरकार आपके लिए कर रही, सरकार आपके लिए बुरा नहीं चाहेगी। वैक्सीन को लेके इतने सारे लोग लगा रहे हैं, अगर आप एक कदम सरकार की ओर बढ़ाएंगे तो आप खुद कोरोना से मुक्त पाएंगे, क्योंकि वैक्सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अफवाह में मत रहिए कि वैक्सीन क्या है क्या नहीं है, आप खुद रियलाइज कीजिए, आप खुद कीजिए और वैक्सीन को लगाइए। हमारा आपसे सब निवेदन है कि वैक्सीन को आप लगाइए। धन्यवाद, शुक्रिया आपका प्लग इंडिया में।